हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारायण एजुकेशन सर्कल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सिक्स की पोएम नंबर फोर, जिसका नाम है ब्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा देखिए दिया है, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द वर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। सो फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया गया है कि जो नेचर है, नेचर में किस तरीके का ब्यूटीनेस होता है। जैसे कि जब हम देखते हैं नेचर में चारों तरफ सुबह उठ के तो सनलाइट आ रही होती है, सन निकला हुआ होता है, और ट्रीज, वर्ड्स, ये सब हम देखते हैं चारों तरफ, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, पेड़ भी लहरा रहे होते हैं हवा में, और कॉर्न यानी कि जो मक्का होता है उसकी फसल हरी भरी होती है, लोग उसमें काम कर रहे होते हैं और जो लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं, डांस, एक तरह से डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि जो उनकी फसल है वो हार्वेस्ट यानी कटने के लिए तैयार होती है। सो फर्स्ट स्टैंजा में हमें नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, सेकंड स्टैंजा। ब्यूटी इज हेयर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। सो यहाँ सेकंड स्टैंजा में हमें बताया गया है कि जो ब्यूटी है उसको हम एक तरह से सुन भी सकते हैं, जैसे कि नाइट में जब नाइट होती है तो क्या होता है, विंड साइंग करती है। साइंग का मतलब होता है लंबी सांस या फिर आह भरना। सो विंड जब चलती है रात में तो ऐसा लगता है उसमें से आवाज़ आती है, जैसे वो आह भर रही हो या फिर आवाज़ें साउंड निकलती हैं विंड की, तो वो आवाज़ें अच्छी लगती हैं। रेन फॉलिंग होती है तो उसमें से भी साउंड होती है, तो इस तरीके का लगता है जो पैटर्न बन जाता है कि एक जिस तरह से एक सिंगर जो है गाना गा रहा हो। सो एनीथिंग इन अर्नेस्ट, एनीथिंग इन अर्नेस्ट का मतलब होता है एक्साइटमेंट होना। तो जो भी एनवायरनमेंट है चारों तरफ का, या फिर कह सकते हैं कि हमारा इकोसिस्टम है, उसमें एक तरह से एक्साइटमेंट आ जाता है। सो ये भी एक ब्यूटी है, इसको भी एक ब्यूटी बोलेंगे। सो लास्ट स्टैंजा देखते हैं, इसका थर्ड स्टैंजा है, जो कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थाट दैट रिपीट दैम सेल्फ इन योर ड्रीम, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। सो यहाँ हमें बताया गया है कि जो ब्यूटी है वो हमारे अपने खुद के अंदर भी होती है, जैसे कि अच्छे अच्छे काम करना, गुड डीड करना, अच्छे काम, हैप्पी थॉट, अच्छी तरह से सोचना, अच्छा थॉट प्रोसेस जो होता है इंसानों का, उसमें भी एक ब्यूटी होती है, और यही रिपीट करना, जो अच्छे वर्क हैं उनको रिपीट करना, इन योर ड्रीम्स कि हमारे जो सपने हैं उसमें भी, एंड इन योर वर्क जो वर्क है उसमें भी एक तरह से ब्यूटीनेस होती है, कि जो काम अगर हमें अच्छे लगते हैं तो वो भी एक ब्यूटीनेस हुआ, एंड इवन इन योर रेस्ट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो रेस्ट, जब हम रेस्ट की एक तरह से सिचुएशन में होते हैं या फिर शांत होते हैं, वहाँ भी एक ब्यूटी ही होती है। सो कुल मिला के ब्यूटी के बारे में बताया गया है, ब्यूटी को यहाँ पर एक तरह से नेचर के साथ जोड़ा गया है। सो बहुत ही छोटी सी पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है। आप कमेंट में लिखिए और बताइए कैसी लगी आपको ये पोयम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।